गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम भारतेंदु युग का गद्य और द्विवेदी युग का गद्य इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। हम हिंदी गद्य का विकास उसको देख रहे हैं, ये दो इकाइयाँ उसमें से ही है। देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग कहा जाता है। इस युग में हिंदी गद्य को पौराणिक वातावरण से निकालकर सामान्य जीवन से संबंधित विषयों पर साहित्य लिखा जाने लगा। पहले का जो साहित्य था वो इतिहास को लेकर या पुराण को लेकर आदि के बारे में लिखते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आम आदमी के जीवन में कौन कौन सी समस्याएं हैं, समाज किस प्रकार से उन समस्याओं का सामना करता है और लोग अपना जीवन जीते हैं, इन बातों को भी इन लेखकों ने अपने लेखनी के माध्यम से हमारे सामने रखा है। इस समय हिंदी को सामान्य रूप से सरल संस्कृत तथा देशी शब्दों में लिखा जाने लगा। गद्य का क्षेत्र व्यापक बनाया गया। नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि सभी कुछ लिखा जाने लगा। भाषा की गतिशीलता तथा अभिव्यंजना शक्ति में विकास हुआ। उपन्यासों को लिखने वाले भी तैयार हो गए और जासूसी तथा तिलस्मी उपन्यासों का खूब प्रचार हुआ। चंद्रकांता संतति और भूतनाथ आदि उपन्यास लिखे गए। देवकी नंदन खत्री ये उपन्यासकार है, देवकी नंदन खत्री के इन उपन्यासों ने हिंदी साहित्य के भंडार की वृद्धि की। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, लाला श्रीनिवास दास आदि लेखकों ने गद्य रचनाएं की। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता थी कि सभी लेखक स्वतंत्र विचार के थे। अपने अपने विचार व्यक्त या अपनी दृष्टि से क्या यहाँ पे कमियाँ हैं और कौन से सुधार होने हैं, इन विषयों के बारे में वो लिखते थे। सभी ने सामाजिक विषयों पर विभिन्न शैलियों में रचनाएं की। इस युग में गद्य का रूप निश्चित नहीं हो पाया था। भाषा अस्त व्यस्त थी क्योंकि भाषा में ज़्यादा व्याकरणिक शब्द आदि हमें देखने को नहीं मिलते थे। व्याकरण का व्यवस्थित रूप से प्रयोग नहीं होता था और इसलिए भाषा अस्त व्यस्त हमें लगती थी उस समय। प्रायः सभी लेखक स्वच्छंद और अपनी धुन के पक्के थे। किसी ने संस्कृत तत्सम और तद्भव शब्दों की भरमार के साथ कथावाचन और पंडिताऊ शैली को अपनाया, तो किसी ने ग्रामीण शब्दों से ओतप्रोत छोटे छोटे वाक्यों में फारसी की चुलबुलाती शैली का प्रयोग किया। किसी ने यदि लोकोक्तियाँ और मुहावरों का कम प्रयोग किया तो किसी ने उनकी भरमार कर दी। अभी लोकोक्तियाँ या मुहावरे एक एक कवि या लेखकों ने क्या किया, देखिए उसका प्रयोग कम किया, लेकिन एक एक ने उसके ऊपर बहुत सारा उसका भरमार पूरा का पूरा उसका इस्तेमाल करके वो साहित्य में उन्होंने लाया। इस प्रकार भारतेंदु युग में गद्य का प्रसार तो खूब हुआ परंतु उसमें स्थिरता न आ सकी। स्वयं भारतेंदु जी का हिंदी गद्य को महत्वपूर्ण योगदान है और इस प्रकार से यहाँ पर भारतेंदु युग का गद्य ये पूरा होता है। आगे जाकर 1903 में क्या हुआ, देखिए द्विवेदी युग का गद्य। सन 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का भार संभाला। सरस्वती नामक पत्रिका में उन्होंने किस प्रकार से किया, देखिए उन्होंने भारतेंदु युग की भाषा विषयक स्वच्छंदता तथा अस्त व्यस्तता को मिटाकर हिंदी भाषा का रूप स्थिर किया। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में व्याकरण का निर्माण किया। इस युग में व्याकरण के नियमों के अनुसार हिंदी गद्य का परिष्कार हुआ। विभक्तियों का उचित प्रयोग होने लगा तथा भाषा का स्थिर रूप और व्यवस्थित हो गया। गद्य का क्षेत्र और भी व्यापक हुआ तथा द्विवेदी जी ने
नए विषयों पर लिखने की प्रेरणा दी। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, समालोचना आदि के अतिरिक्त यात्रा, सामयिक, सामाजिक और राजनीतिक विषय, संस्मरण, आत्मकथा, जीवन चरित्र, वैज्ञानिक विषय आदि सभी विषयों पर लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई। इस युग में हिंदी गद्य में अनुवाद का काम खूब हुआ। अनुवाद का मतलब ट्रांसलेशन, एक भाषा से लेकर दूसरी भाषा में उसका हम करते हैं। देखिए, इस प्रकार द्विवेदी युग में गद्य साहित्य सर्वांगीण तथा बहुमुखी बन गया। उसका कलेवर मतलब भाषा जो है उसकी स्थिर तथा एकरूप और प्रायः शुद्ध हो गई। पत्रकारिता, कवि शिक्षा जैसे विषयों पर लेखकों ने निबंध लिखे। विश्लेषणात्मक, गवेषणात्मक तथा निर्णयात्मक शैलियों की स्थापना द्विवेदी युग में ही की गई। इस युग में उपन्यास, कहानी, निबंध आदि को कलात्मक रूप दिया गया। द्विवेदी युग के गद्यकारों में मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्मसिंह शर्मा, हरिऔध आदि प्रमुख है। नवीन प्रतिभा भी इस युग में प्रसाद पंत, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पे इसे निराला आदि कहा है, इसलिए मैंने पूरे नाम बताए, पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल आदि अनेक लेखकों के रूप में उदय हो गए थे, के रूप में उनका उदय हो रही थी। देखिए किस प्रकार उनके लेखकों के रूप में उदय हो रही थी उनकी। इस युग ने हिंदी गद्य में महान परिवर्तन करके अपना ऐतिहासिक महत्व बना लिया। किस प्रकार से देखिए कि हमने अभी देखा भारतेंदु युग का गद्य तथा द्विवेदी युग का गद्य जो है अपने अपने मतानुसार या दोनों की जो सोचने समझने की जो उनकी एक अलग से एक पहचान थी, एक उनकी एक परख थी। ओके, और इस प्रकार वो क्या है, अभी भाषा जो है, भाषा ही मनुष्य का एक साधन होती है कि जिसके माध्यम से वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है या लिख सकता है। यदि हमें भाषा ही नहीं आई, भाषा ही समझ में नहीं आ रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। और इस प्रकार से हम अगले क्लास में छायावादी युग का गद्य तथा वर्तमान युग में गद्य का स्वरूप आदि इकाइयों को देखकर इसको यहाँ पे पूरा करेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस की ओर आना है। लेकिन हिंदी गद्य का विकास या हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको ऊपरी तौर पर जानकारी होनी है करके ये क्लास आपके लिए लिया गया है। देखिए अच्छे से इसको घर में भी पढ़ो, हर एक किताबें खरीदो। मैंने आपको बताया है कि 55 रुपीज़ इसकी प्राइस है, जिगजनी बुक स्टॉल में मिलते हैं यहाँ पे गोंदली गली में, तो उधर से आप परचेज कर सकते हो। ओके, तो अच्छे से सुनिए। धन्यवाद।